बताया जा रहा है। रहने वाला शख्स है, उसका नाम शक्ति जा रहा है, कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी से पुलिस हालांकि पूछताछ कर रही है और खुद को वो वकील बता रहा है। बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये हंगामा हुआ है और इस शख्स ने, शक्ति भार्गव ने, जो कि कानपुर का रहने वाला है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरसिम्हा पर ता फेंक कर मारा है। बड़ी खबर दिल्ली से। और हालांकि अब पुलिस पूछताछ कर रही है, वजह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वजह रही, आखिर ये नाराजगी किस बात की है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिली। और इस शख्स ने भरी कॉन्फ्रेंस के दौरान, लोग इकट्ठे थे और उस दौरान नरसिम्हा पर जूता फेंक कर मारा, तो आखिर किस बात की नाराजगी, ये अभी साफ होता नजर नहीं आ रहा है। और इस शख्स ने क्यों ऐसा किया, ये साफ होता नजर नहीं आ रहा है। पूछताछ जारी है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है ये शख्स, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र यादव भी थे मौजूद। जब ये पूरा हंगामा हुआ, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसी बीच जीवीएल नरसिम्हा पर जूता, जैसे ही जाती है दर्शकों को अपडेट करेंगे। और कानपुर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है, शक्ति भार्गव इसका नाम है। आखिर किस बात की नाराजगी जो इस तरीके से अपनी नाराजगी का इजहार करता हुआ नजर आया, जूता फेंक कर मारा, वो भी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। भूपेंद्र यादव भी इस बीच मौजूद थे। डॉक्टर शक्ति भार्गव ने जूता फेंक कर मारा है, हालांकि पूछताछ अभी जारी है और कुछ निकलकर सामने आ पाती है वो भी दर्शकों को अपडेट देंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है कि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता फेंक कर मारा इस शख्स ने, कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, खुद को वकील बता रहा है, तो नाराजगी का इजहार वो भी इस बेतहजीब और बेतरतीब तरीके से किया इस शख्स ने, जो तस्वीरों में कैद हुआ। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपनी बातें रख रहे थे और उसी दौरान इस शख्स ने जूता फेंक कर मारा। वजह क्या रही, ये साफ होता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वजह हो सकती है, ये जानने की कोशिश में प्रशासन लगातार लगा हुआ है। पकड़ लिया गया है ये शख्स, और जिस वक्त इस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया, वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही इसे पकड़ लिया और हाथापाई भी हुई, मारपीट भी हुई, और अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार इस शख्स से पूछताछ कर रही है। तो कानपुर का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है, खुद को पेशे से वकील बता रहा है, लेकिन इस वकील की क्या ऐसी नाराजगी थी जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरसिम्हा पर जूता फेंक कर मार दिया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम लोग यहां पर मौजूद थे और इस बीच इस शख्स ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। और अब वजह जानने की कोशिश भी लगातार जारी है, पुलिस लगातार इस शख्स से पूछताछ कर रही है और वजह जानने की कोशिश भी कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी क्या नाराजगी थी, ऐसी क्या नाराजगी थी जिसकी वजह से बेतरतीब और बेतहजीब तरीके से इस शख्स ने भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जूता फेंक कर मारा। जो तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नरसिम्हा, उसी वक्त इस शख्स ने जूता फेंक कर मारा और हंगामा खड़ा हो गया बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है।
पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में इसने ये बात भी कबूली, पेशे से खुद को वकील बता रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित दुबे जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या ऐसी वजह रही जो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरसिम्हा पर इसने जूते से वार कर दिया इस शख्स ने। देखिए, साफ तौर पर भी वजह जरूर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जिस शख्स ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, खास तौर पे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले लोगों ने वहाँ उसकी पिटाई काफ़ी की और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस उसे ये बीजेपी ऑफिस के पास ही इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन है जहाँ उसे ले जाया गया है और यहाँ पे पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही। इस पूछताछ के बाद ही क्लियर होगा कि आखिर उस शख्स की मंशा क्या थी। हालांकि इससे पहले जो खास तौर पे घटना हुई थी, चाहे पी चिदम्बरम की बात करें, तो साफ तौर पे वो एक पत्रकार थे और पत्रकार के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, नेता बनाया, क्या संदेश गया, इन चीजों पे भी पुलिस बात करना चाहती है। लेकिन फिलहाल उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्राइमा फेसी पता चला शायद कानपुर के आसपास का रहने वाला है और अभी तक पुलिस जो है अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंची कि आखिर इस शख्स की मंशा क्या थी। बिल्कुल अमित, जाहिर सी बात है मंशा क्या थी, कैसी थी, वो तो इस घटनाक्रम से साबित होता नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है पब्लिसिटी या फिर लाइमलाइट में आने के लिए इस शख्स ने ऐसा नहीं किया होगा। क्या मंशा रही, हालांकि पुलिस पूछताछ में भी जुटी हुई है, खुद को पेशे से वकील बता रहा है और वकील होने के नाते ऐसी क्या नाराजगी इस शख्स की हो सकती है नरसिम्हा से। अभी तक जो है चीजें स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पे कोई रीजन होगा, हो सकता है कि मानसिक शिकार हो, दिमागी तौर पे कमजोर हो, ये भी अभी इसों का सिर्फ पता है कि पुलिस आखिर इस लेके क्या कुछ रिपोर्ट देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि बीजेपी ऑफिस में जब से खास तौर पे चाहे अशोका रोड पे रहा हो या नया ऑफिस जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, पहली इस तरह की घटना है। और खासतौर पे बीजेपी में जब भी किसी शख्स सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, इस सिक्योरिटी के बावजूद ये शख्स कैसे अंदर पहुंचा और क्या मंशा रही होगी जो पत्रकारों के बीच में बैठ के इस तरह की हरकत उसने की है। और खासतौर पे स्टेज की बात करें तो महासचिव भूपेंद्र यादव भी उस समय मंच पे मौजूद थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जीवीएल की चल रही थी। और हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर चलती रही, लेकिन जाहिर तौर पर एक राजनीतिक क्षेत्र में खासतौर पर इस घटना से एक और एक तरह से धब्बा बोला जा सकता है, जो कि पहले भी इस तरह घटना हुई है, आज भी हालांकि जूता जो है वो जीबीएल नरसिम्हा को लगा जरूर नहीं, लेकिन इस तरह की घटना होना ही अपने आप में एक बड़ी बात कह जाता बिल्कुल है। बिल्कुल अमित, जाहिर सी बात है लाइमलाइट में आ गई ये खबर और जाहिर सी बात है कोई लगा जरूर नहीं जूता, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर जरूर बन गई और इसकी मंशा क्या रही ये भी साफ होता नजर नहीं आ रहा है। सवाल सिक्योरिटी पर भी उठता नजर आ रहा है कि आखिर ये शख्स अंदर पहुंचा कैसे और इसकी मंशा क्या रही। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन खासतौर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिपोर्टर्स ही अंदर जा सकते हैं, ज़्यादातर जो है बीट रिपोर्टर्स होते हैं और वहाँ की चाहे मीडिया हो या वहाँ के पुलिसकर्मी हो, सबके सब उसे पहचानते हैं। और इस बीच वो शख्स, एक अजनबी शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर घुसा, खासतौर पर इलेक्शन का माहौल है और माना जा सकता है कि जरूर पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया है और यही एक बड़ी वजह है कि इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया। अब जो है पुलिस हर तरह से मामले की छानबीन कर रही है, पुलिस मामले को खंगाल रही है। खुद बड़े अधिकारी अगर हम बात करें तो एसीपी और डीसीपी दिल्ली पुलिस के, वो इस शख्स की पूछताछ में इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन पे मौजूद है और शख्स से लगातार जो है पूछताछ जारी है और अब से कुछ देर बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर इसकी मंशा क्या थी। हालांकि जब पी चिदम्बरम के ऊपर इस तरह की घटना हुई थी तो जाहिर तौर पे जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया था वो एक खास तौर पे एक ऐसे संप्रदाय से बिलोंग करता था जो संप्रदाय कहीं ना कहीं कांग्रेस से प्रताड़ित था और उन्होंने अपनी बात रखी। तो क्या इस तरह की कोई जीवीएल नरसिम्हा के साथ बीजेपी पार्टी ही कुछ मंशा रही होगी, क्या कुछ अपनी बात जाहिर करना चाहता है, इस तरह की चीजें जो पुलिस।
चलिए अमित अमित रोकना चाहेंगे, विजय खेड़ा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, अगर देखा जाए तो ये घटना वाकई बड़ी हास्यास्पद लग रही है, हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? हेलो, मुझे एक सेकंड बताइए ना। हेलो जी विजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो हमारा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरीके की घटना कई सवाल खड़े करती है, हालांकि क्या कहेंगे आप? अभी क्या है, हताशा हो रही है विरोधी पार्टियों में, अभी से उनको लगने लगा है कि वो चुनाव बुरी तरह से हारने वाले हैं। हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पार्टी के लीडर के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ। विजय खेड़ा जी, आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि ये विरोधी पार्टियों की एक साजिश हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है। अभी तक जब तक पूरा पता नहीं लगा है लगेगा, पूरा तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जब चल रहा है कि हताशा में विरोधी पार्टियां तरह तरह की बातें करती हैं, मतलब यहाँ तक कह सकती थी अभी आज मायावती जी कि अगर मंदिर में जा रहे हैं मुख्यमंत्री तो भी वो खिलाफ कर रही है कि इसको रोकना चाहिए, आयोग को रोकना चाहिए, चुनाव आयोग को। इसी तरह से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के नाम बराबर झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की हताशा का जो माहौल नेतृत्व ने तैयार किया है ऊपर से नीचे तक, तो नीचे उस तरह से कह रहे हैं किसको प्लान कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक अजीब घटना है। मैंने आप प्रजातंत्र में इस तरह की घटना होना अंदर जाके, अब ये तो बाद में पता लगेगा क्यों था, क्या हुआ। लेकिन विजय खेड़ा जी, अभी ये साफ होता नहीं आ रहा है कि ये किसी राजनीतिक दबाव में इस शख्स ने ऐसी घटना को अंजाम दिया, क्योंकि पूछताछ का दौर अभी भी जारी है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल क्या है, दोनों तरह से घटनाएं हो रही हैं जी, कई बार मानसिक लोग भी इस तरह की घटना करते हैं और कई बार राजनीतिक रूप से प्रेरित पहले से प्लान करके प्रायोजित ढंग से भी की जाती है। अब क्या हुआ इसमें, थोड़ा सा बाहर निकले तो पता लगे, लेकिन कुल मिला के जिस तरह का माहौल विरोधी पार्टियां तैयार कर रही है पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह से उनको बहका रही है झूठ बोल बोल के, तो अब क्या उसमें नतीजा निकलेगा, कितना हाथ है, पता लगेगा जरूर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए थे विजय खेड़ा जी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये विपक्षी पार्टियों की एक साजिश हो सकती है, हालांकि ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी मंशा साफ नहीं हुई है, पूछताछ इस शख्स से अभी भी जारी है। और सीधे रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहां पर अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं